सबसे पहले तो राम राम। राम राम भाई सभी भाइयों को। मैं राकेश बघेल स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके YouTube चैनल DTC इन्फॉर्मेशन पर। दिल्ली सरकार समय समय पर दिवाली बोनस के लिए नोटिफिकेशन निकालती रही है और जिसमें वह बताती है कि काउंटर कर्मचारियों को 8.33% के हिसाब से दिवाली बोनस दिया जाना चाहिए। लेकिन क्या ये जमीनी तौर पर सभी को मिल पाता है? नहीं, खास करके DTC में तो ऐसा नहीं है। ऐसा ही नोटिफिकेशन एक और निकाला गया है दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए। इस नोटिफिकेशन के अनुसार दिल्ली में अनुबंध पर कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को दिवाली का बोनस 8.33% के हिसाब से दिया जाना चाहिए, जो कि आमतौर पर एक महीने की तनख्वाह के बराबर होता है। उदाहरण के तौर पर यदि कर्मचारी की मासिक तनख्वाह 21,216 रुपये है तो वार्षिक वेतन उसका 2,54,552 रुपये बनता है, जिसका अगर हम 8.33% निकालने पर लगभग 21,207 रुपये 50 पैसे बोनस बनता है। यह नीति स्पष्ट करती है कि अनुबंधित कर्मचारियों को उनकी सेवा के आधार पर एक उचित बोनस मिलना चाहिए। हालांकि DTC यानी कि दिल्ली परिवहन निगम में स्थिति इसके उलट ही है। DTC अनुबंधित कर्मचारियों को सिर्फ 7,000 का बोनस देती है, जो सरकार द्वारा तय किए गए 8.33% के मानदंड से काफी कम है। यहाँ सबसे गंभीर बात यह है कि जब तनख्वाह की बात आती है तो अनुबंधित कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों से कम वेतन दिया जाता है, लेकिन जब बोनस की बारी आती है तो DTC उन्हें स्थायी कर्मचारियों के बराबर या उससे भी कम बोनस देती है। जब तनख्वाह की बात होती है तो DTC अनुबंधित कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों से कम वेतन देती है। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि अनुबंधित और स्थायी कर्मचारियों की भर्ती में बहुत बड़ा अंतर होता है, लेकिन जब बोनस की बात आती है तब अनुबंधित कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के समान बोनस दिया जाता है, जबकि वेतन के हिसाब से उनका बोनस ज्यादा होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर 8.33% बोनस नीति के तहत अनुबंधित कर्मचारियों को उनका बोनस उनके वेतन के अनुपात में मिलना चाहिए, लेकिन DTC ऐसा करने के बजाय उन्हें 7,000 का सीमित बोनस देती है। यह दोहरा मापदंड स्पष्ट रूप से DTC के अनुबंधित कर्मचारियों के साथ भेदभाव और अन्याय को दर्शाता है। एक ओर अनुबंधित कर्मचारियों से स्थायी कर्मचारियों की तुलना में कम तनख्वाह देकर उनकी सेवाओं का पूर्ण लाभ उठाया जाता है और दूसरी ओर जब बोनस का समय आता है तो उन्हें स्थायी कर्मचारियों की तरह ही सीमित राशि दी जाती है। कर्मचारियों का शोषण और उनके अधिकारों की अनदेखी। DTC के अनुबंधित कर्मचारियों के साथ हो रहा यह भेदभाव इस बात का उदाहरण है कि कैसे अनुबंध कर्मचारियों को सस्ती श्रम शक्ति के रूप में देखा जाता है, उन्हें कम वेतन पर काम कराया जाता है और फिर बोनस जैसी महत्वपूर्ण आर्थिक सुविधा में भी उनके साथ अन्याय ही किया जाता है। यह स्थिति स्पष्ट रूप से उनके अधिकारों की अनदेखी है। अक्सर अनुबंधित कर्मचारी यह सोचकर शोषण को सहन करते रहते हैं कि अगर वे अपनी आवाज उठाएंगे तो उनकी नौकरी पर खतरा मंडरा सकता है। यह डर और असंगठित स्थिति ही ड्यूटी से वो ऐसा भेदभावपूर्ण व्यवहार करने की छूट देती है। इस अन्याय का समाधान तभी संभव है जब अनुबंधित कर्मचारी संगठित होकर अपनी आवाज उठाए और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करे। यह आवश्यक है कि वे श्रम संघों या श्रम विभाग की मदद लेकर इस मामले को सामने लाए और DTC द्वारा किए जा रहे भेदभाव और उजागर कर सके। यदि सरकार ने 8.33% बोनस की घोषणा की है तो इसे लागू करवाने के लिए न्यायिक और कानूनी प्रक्रिया का सहारा भी लिया जा सकता है। सिर्फ कर्मचारियों की एकजुटता और संगठित आवाज ही DTC जैसी संस्थाओं को नीति का सही पालन करने के लिए मजबूर कर सकती है। अनुबंधित कर्मचारियों को यह समझना होगा कि वे स्थायी कर्मचारियों से कम वेतन पर काम कर रहे हैं, इसलिए बोनस के मामले में उनके साथ समानता नहीं होनी चाहिए बल्कि उन्हें उचित अनुपात में बोनस मिलना चाहिए। DTC के अनुबंधित कर्मचारियों के साथ हो रहा यह भेदभाव गंभीर चिंता का विषय है। जब भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से बोनस की नीति तय कर दी है तो DTC द्वारा इसका पालन ना करना न केवल अनुचित है बल्कि कर्मचारियों के अधिकारों का उल्लंघन भी है। तनख्वाह के मामले में भले ही अनुबंधित कर्मचारी स्थायी कर्मचारियों से कम पाते हों, लेकिन बोनस के मामले में उनके वेतन के अनुपात में बोनस मिलना चाहिए, ना कि सीमित राशि। अनुबंधित कर्मचारियों का यह अन्याय सहन करने के बजाय अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए ताकि उन्हें सही हक मिल सके। शोषण का अंत तभी होगा जब सभी कर्मचारी एकजुट होकर अपने हक के लिए लड़ेंगे।
दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलेंगे ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।